इन दिनों सोशल मीडिया पे इल्विस भाई और मैक्सट्रेन यानी सागर ठाकुर भाई का एक वीडियो जो मारपीट का वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इल्विस भाई ने मैक्सट्रेन भाई यानी सागर ठाकुर को के ऊपर हाथ उठा दिया और उनके साथ काफी लोग भी थे। अब इसको लेके चर्चाएं इतनी तेज है कि ऑब्वियसली ये बात जो है पुलिस तक जानी ही थी, और पुलिस के जाने के साथ साथ चार धाराओं के अंतर्गत इल्विस भाई को नोटिस भेज दिया गया है कि आपके साथ पूछताछ की जाएगी, आपने मैक्सट्रेन क्यों के ऊपर हाथ क्यों उठाया। और जो बात निकल करके आ रही है वो कुछ और ही है, जो कि इल्विस भाई ने एक वीडियो जारी करते हुए सारी बातें कहीं। आप सभी को पता होगा इल्विस के बारे में, OTT2 सीजन के तहत वो विनर रह चुके हैं और वो ऐसे विनर थे जो वाइट कार्ड एंट्री में थे, और उनकी एक और इनकी एक अलग छवि है, चाहे वो बिजनेसमैन को ले, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेके हो, या अपनी एक अलग पर्सनालिटी को लेके हो, या फिर आप उनको उनकी पॉलिटिक्स की बात कर ले, तो मतलब हर जगह वो एक्टिव है और काफी अच्छा खासा नाम है, बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, नाम शोहरत। और लेकिन जब से OTT ये जीते हैं, ये जो बिग बॉस का था, उसके बाद से ना इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, चाहे वो सांप को लेके हो, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मैंने वीडियोस भी बनाई थी, और कभी झगड़े को लेके आती हैं, अभी मैक्सटन भाई के साथ लेके आई, अभी कुछ हिंदू मुस्लिम को लेके भी आई थी, जैसे कि मुनव्वर फारूकी जो इस बार OTT के विनर रहे हैं बिग बॉस के, उनके साथ भी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, फोटोज वायरल हुई थी, जो कि एक क्रिकेट के दौरान जहां पे सचिन तेंदुलकर भी थे, इल्विस यादव भी थे, मतलब अलग अलग सेलिब्रिटी भी थे, तो उनके साथ जो मैच हुआ था उसके अंतर्गत इल्विस भाई और मुनव्वर की जो फोटोज हैं काफी ज्यादा वायरल हुई। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने उन्हें ट्रोल करना चालू कर दिया कि यार ये तो पहले हिंदू की बात करते थे, अभी मुसलमानों के साथ हाथ मिला रहे हैं, और उन मुसलमानों के साथ जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, मतलब ऐसे करके बहुत सारी निगेटिविटी जो है सोशल मीडिया पर फैल रही थी, तो उस पर भी उन्होंने खुलासा किया था। और जहां तक ये मैक्सटन वाली बात है, तो जब इल्विस भाई ने वीडियो अपनी पोस्ट करी तो उसमें उनकी तरफ से क्या कुछ और कहा जा रहा है और सोशल मीडिया की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, जो इल्विस भाई का ओपिनियन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई जब इन्होंने कम से कम 8 महीने पहले से इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे स्टार्ट कर दिया था मुझे ट्रोल करना, कभी ये बात कभी वो बात कि ये तो एंटी हिंदू है, ये तो ऐसे बात ये करते हैं करते वो हैं, ऐसे करके बहुत सारी उनकी जो पोस्ट है वो सागर ठाकुर के द्वारा की जा रही थी, उनका ये कहना था। उसके बाद में फिर इल्विस भाई ने कहा कि मैंने एक दो बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, और एक इवेंट के दौरान, एक ब्रांड प्रमोशन के दौरान हमारी उनसे, एक शूट के दौरान हमारी उनसे मुलाकात भी हुई, बातचीत अच्छी, बॉन्डिंग थी, तो मैं जानना चाह रहा था आखिरकार ये बंदा ऐसा कर क्यों रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बात जब बढ़ती गई तो मैंने मिलने का फैसला किया, और मैंने एक बार उसको पोस्ट किया कि भाई दिल्ली में ही रहते हो, तो अब कहीं ना कहीं ये धमकी भी हो सकती है या फिर कुछ भी, और अगर ऐसे देखा जाए कि आप दिल्ली में ही रहते हो तो धमकी ही लगेगी लोगों को ऑब्वियसली। तो इल्विस ने खुद ये बात की, मैंने ये पोस्ट किया था, उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, ऐसा वैसा, तो उन्होंने कहा कि वहां से हीटअप स्टार्ट हुआ, और फिर मैंने कहा कि ठीक है मिल लेते हैं, नंबर भेजो अपना, नंबर मिलने के बाद वो मिलने गए, वहां पे सेटअप सारा कर रखा था, जो कि एक शॉप में कोई शूज की शॉप थी, कपड़ों की शॉप थी मैक्सटन भाई की दोस्त की, तो वहां पे उन्होंने पूरा सेटअप बना रखा था, जैसे ही इल्विस की एंट्री होती है तो वो बैठे रहते हैं और इल्विस ने वहां से मारना उनको चालू कर दिया, ठीक है, काफी हाथापाई हुई, हाथापाई होने के बाद वो वीडियो का सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। अब इस वीडियो से हमें सीखने को क्या मिलता है दोस्तों, कि देखिये फेम जो होता है ना वो बड़ी नाजुक चीज होती है, अगर हम जरा से भी गलती करते हैं ना तो लोग हमें ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, और इतनी जल्दी ट्रोल होते हैं कि आपको फेमस होने में तो जमाने लग जाएंगे लेकिन ट्रोल होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो हम अगर फेमस हो रहे हैं, हमारे अंदर अगर वो क्वालिटी है, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि भाई कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे कम बोलना है, कहाँ पे ज्यादा बोलना है। लेकिन कभी कभी इंसान ना अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बातचीत करके समझी जा सकती थी, लेकिन अब बीच में क्या हुआ वो आप सबके सामने है, ठीक है। तो सोशल मीडिया का यही एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि यार अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्टिव हैं, हम यहाँ पे वीडियोस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें हेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैं इतनी सारी वीडियोस बनाता हूँ, अभी इस वीडियो में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कहने आ जाएंगे कि नहीं तुम तो ऐसे हो वैसे हो, इल्विस के नाम पे वीडियोस बना रहे हो, ऐसा मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, भाई मेरे व्यूवर्स हैं, मेरा मन है, मैंने वीडियोस बनाई है, और ऐसा होता है लोग ट्रोल करते रहते हैं, लेकिन उन ट्रोल को कैसे लेना है यहाँ पे वो आपको जो है काफी मैटर करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है,
बाकी मैक्स ट्रेन की और एल्विस की जो कहानी है ये तो स्टार्ट हो चुकी है और अभी ये पुलिस तक पहुंच चुकी है। अभी इसका फैसला आना बाकी है कि क्या होता है। पूछताछ के लिए उन्हें 41A के तहत उनको एक नोटिस भेजा जा चुका है और 4 धाराएं उनके ऊपर लगाई जा चुकी हैं एल्विस यादव के ऊपर। तो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसकी भाई यही एक निगेटिव साइड है और यही एक पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड यही है कि आपसे पता नहीं कब कौन कितना बड़ा आदमी मिलने के लिए आ जाए या फिर कब कोई आपको छोटा आदमी बेइज्जत कर दे। मतलब मैं यहाँ पे किसी को भी जज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स वाई जेड सबकी बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ होता है सोशल मीडिया हमारा।